महाबलीपुरम में स्वच्छता के महात्मा, सिर्फ कथनी नहीं करनी भी। जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं पीएम मोदी। ये तस्वीर इसी बात की गवाह है कि पीएम मोदी स्वच्छता को लेकर कितने गंभीर हैं। मौका कोई भी हो, पीएम मोदी स्वच्छता का संदेश देना नहीं भूलते। जहां कचरा देखा उसे उठा लिया, चाहे वो अपना देश हो या फिर विदेश। ये तस्वीरें तमिलनाडु के महाबलीपुरम के समंदर तट की हैं, जहां मोदी गए तो थे मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन गंदगी देख उनके कदम रुक गए और वो झुककर बीच पर पड़ी गंदगी उठाने लगे। आज सुबह पीएम मोदी जब महाबलीपुरम के बीच पर सुबह की सैर के लिए निकले तो उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने थे, हाथ में एक्यूप्रेशर रोलर भी था। मॉर्निंग वॉक के बाद जब मोदी होटल की तरफ वापस लौटने लगे तो समंदर के तट पर फैले कचरे ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। बगैर झिझके उन्होंने कचरा और प्लास्टिक उठाना शुरू कर दिया। मोदी ने पानी की खाली बोतलें, चिप्स के खाली पैकेट भी उठाए और फिर एक थैले में से रख लिया। जिधर भी कचरा दिख रहा था उधर मोदी के पैर बढ़ने लगे और उन्होंने चुन चुन कर कचरा उठाना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक मोदी ऐसे ही तल्लीनता से बगैर रुके बगैर थके कचरा बीनते रहे। जब कचरे से झोला पूरी तरह भर गया तो उन्होंने उसे कंधे पर लटकाया और होटल की तरफ चल पड़े। इसी बीच होटल का एक स्टाफ सामने आ गया जिसे मोदी ने कचरे से भरा वो थैला सौंप दिया और साथ ही उसके साथ गुफ्तगु भी करने लगे। इस दौरान पीएम मोदी समंदर तट के काफी करीब पहुंचे और समंदर की लहरों पर चलते नजर आए। सैर के दौरान पीएम मोदी बीच पर पड़े पत्थरों पर आराम करते भी दिखे। पीएम मोदी ने इस दौरान प्रकृति की सुंदरता का लुत्फ उठाया। पीएम मोदी ने महाबलीपुरम के समंदर तट पर की गई साफ सफाई का वीडियो भी ट्वीट किया और लिखा, आज सुबह बीच पर साफ सफाई की। ये साफ सफाई करीब आधे घंटे तक चली। बीच से इकट्ठा किए गए कचरे को मैंने होटल के स्टाफ जयराज को सौंप दिया, लेकिन ये पक्का करें कि हमारे सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे रहें और हम फिट और हेल्दी रहें। पीएम मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त कराने और स्वच्छता का संकल्प लिया है। ये संकल्प जन जन के सहयोग और आपसी भागीदारी से पूरा हो पाएगा। पीएम मोदी ने महाबलीपुरम में स्वच्छता का जो संदेश दिया है उसे हर कोई जीवन में उतार ले तो स्वच्छ भारत का सपना पूरा होने में देर नहीं लगेगी।